नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हैं। जो लोग सिंगल है, खुद को किसी भी तरह से जो खुद को सिंगल मानते हैं उनके लिए होगी ये रीडिंग। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। देखते हैं एरीज यानी मेष राशि, ये रीडिंग होगी 6 से लेके 12 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। देखते हैं जो सिंगल है, जो खुद को किसी भी तरह से खुद को सिंगल मानते हैं उनके, देखते हैं पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट में आपका थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट था, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व थे, हो सकते हैं कि बहुत कुछ कारण से आप परेशान थे, बहुत सारे लोग आपके लाइफ में जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी उनसे आपको परेशानी हो रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आप परेशान थे, दुखी थे। तो पास्ट की आपकी एनर्जी कोई अच्छी एनर्जी नहीं थी, मुझे जैसा दिख रहा है कि एक परेशानी भरा एनर्जी आपका था और आप खुद बहुत परेशान थे। हो सकता है लड़ाई झगड़ा, मतलब फिजिकल मेंटल दोनों तरफ से आप परेशान थे। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में, पास्ट में आप थोड़ी रेस्टलेस एनर्जी में थे, मतलब परेशान थे, दिमागी परेशानी थी, आप हर चीज़ को लेके परेशानी में थे, दिमाग की लड़ाई झगड़े बातों की। प्रेजेंट में देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में चैरियट का कार्ड आया है। प्रेजेंट में मुझे लगता है आप किसी रिश्ते को, हो सकता है अगर आप पहले रिश्ते में थे तो प्रेजेंट में आप चाहते हो रिश्ते को और एक चांस देना, और आप ये भी चाहते हो कि इस रिश्ते में जो अच्छाई है, जो सच्चाई है उसको सही तरह से देखना, उसको और एक बार उसको टटोल के देखना और रिश्ते को दोबारा से एक मौका देना। ये किसी किसी लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए, ये रिश्ता सही से नहीं चल रहा है, रिश्ते को ख़त्म करना ही सही रहेगा। ये कुछ लोगों के लिए होगी, और कुछ लोग ये चाहेंगे कि अगर रिश्ता बहुत पुराना है, पहले का रिश्ता है, अगर आप पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल हो तो ये बात आपके साथ लागू होते हैं। जो एकदम से सिंगल है उनके लिए तो ये बात लागू नहीं होगी। तो आपको लगता है कि आपके पास जो रिश्ता पहले था लेकिन अभी आप सिंगल हो, लेकिन उस रिश्ते को आप दोबारा से एक मौका देना चाहते हो। प्रेजेंट की आपकी इस तरह की एनर्जी है। अभी देखते हैं कि आप पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। 6 से लेके 12 मई तक जो वक्त है इसमें पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है। हैंगवन, नहीं, पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों नहीं आ रहा है। जैसा कि आप सोच रहे हो कि रिश्ते को दोबारा एक मौका दिया जाए, लेकिन अगर आप पास्ट के पर्सन के इंतज़ार कर रहे हो तो पास्ट से इन दिनों आपके लाइफ में कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसा आप लोगों का रिश्ता था मुझे लगता है रिश्ता वैसा ही रहेगा, और रिश्ते में जो थोड़ी परेशानी थी तो इन दिनों में काट के अनुसार मुझे नहीं लगता है कि ये परेशानी इतनी जल्दी ख़त्म हो सकता है। जो जैसा था वैसा ही रहेगा, रिश्ते में नया कुछ दिखने को नहीं मिलेगा, और अगर आप पुराने लोगों से नए चीज़ की उम्मीद करते हो, कर रहे हो कि पुराना कोई लाइफ में आ जाए, पुरानी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए, जैसी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है, तो इन दिनों होने की चांसेस तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। अभी देखते हैं क्या नया कोई आ सकता है आपके लाइफ में इन दिनों। 6 से लेके 12 तारीख तक की जो वक्त है इन दिनों क्या नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है। 5 ऑफ कप्स, नो, नया भी कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि आप दुखी हो, आप परेशान हो, ना आप
पुराने रिश्ते को भूल पा रहे हो, ना नए के लिए आपके पास जगह है, तो नया कोई नहीं आ रहा है। इन दिनों आप अकेला रह सकते हो और पुराने रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है जब आपके पास ये रिश्ता था तब इस रिश्ते में अच्छाई भी थी, लेकिन आपने उस अच्छाई को अनदेखा किया है। जो लोग रिश्ते में थे, जो एकदम से सिंगल है, ये बात उनके साथ लागू नहीं होते हैं। जो पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी किसी भी कारण से सिंगल है, तो वो जब आपके पास ये रिश्ता था तब आप रिश्ते को अहमियत नहीं दे रहे थे। आपको पता था इस रिश्ते में अच्छाई भी है, लेकिन आप अपने तरफ से इसको दिखाना नहीं चाहते थे। आपको ये लगता था कि अगर मैं इस अच्छाई को खुल के बोलूं तो जिनके साथ आप रिश्ते में थे वो थोड़ा सर चढ़ जा सकता है, इस तरह की एनर्जी आपकी थी, इसीलिए आपने तब रिश्तों की अहमियत नहीं समझी। हालांकि तब रिश्ते में अच्छाई भी था, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नया आपके पास कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि पुरानी जो चीज़ आपके पास थी, पुरानी जो रिश्ता आपके पास था, वही अच्छा था। आप उस अच्छाई को देख नहीं पाए, इसीलिए आप दुखी हो, परेशान हो, और नए की उम्मीद करने से इन दिनों तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई आ सकता है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स जी आपको क्या कहना चाहते हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं, जैसा कि आपकी प्रेजेंट का सोच है, कि बहुत परेशानी के बाद अगर आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, बेशक कर सकते हो रिश्ते में नई शुरुआत, लेकिन जैसा कि आपकी उम्मीद है, रिश्तों के पूरी सच्चाई को जानना और अपना प्यार जो आप पहले नहीं दे पाए इस रिश्ते को, आपको उस प्यार को देना पड़ेगा। रिश्ते को एक अलग तरह से सोचना पड़ेगा, जैसे आपने अभी सोचा है, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी है कि दोबारा से एक चांस दिया जाए और रिश्ते की अच्छाई बुराई सच्चाई सब चीज़ को फिर से एक बार देखा जाए। तो आपको इस तरह से देख के, सोच समझ के फिर जाके रिश्ते में नई शुरुआत करनी होगी, क्योंकि रिश्ता जो बिगड़ चुका है, जिसके लिए आप अकेले हो, उस रिश्ते को फिर से चांस देने के लिए आपको खुद को भी बदलना पड़ेगा और रिश्ते की सच्चाई को भी देखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।